Assalamualaikum students, I hope you will be fine with great and good health. Subject Science, Class 6, Unit Number 2, Sense Organ, presented by Amna Mahmood. Today the topic of under discussion is that eyes. In previous lecture we discussed about ear kya hai, ek sense organ hai jo ke detect karta hai ek special stimuli ko jo ke sound hai. Ab eyes hai, wo bhi kya hai ke tiny jo hai wo camera hota hai जो कि पिक्चर को सेंड्स अ स्टेडी स्ट्रीम्स ऑफ पिक्चर टू द ब्रेन, ब्रेन तक पिक्चर को जो है वो भेजता है. यानी कि अगर आँख से हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो एक पिक्चर की तरह वो जो है वो पिक्चर को जो आईज है वो पिक्चर को ब्रेन तक भेजता है और ब्रेन फिर इंटरप्रेट करता है, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन शो करते हैं. जो सेंसरी सेल्स हैं आईज के वो सिर्फ सेंस जो है वो लाइट को ही डिटेक्ट करेंगे. ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो दे सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अलॉन्ग नर्व्स टू द ब्रेन. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो भेजता है द नर्व सेल इन योर ब्रेन. जो हमारे ब्रेन में नर्व सेल हैं वो फिर इन सिग्नल्स को साउंड और विजन में चेंज करते हैं. ठीक है, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है. आपका एक जो क्वेश्चन है ना उसका ये आंसर है. ठीक है, आई जो है वो आई के बारे में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आई, इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आपने उसका ये आंसर है. ठीक है, या ये वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट में हमारे पास एक अमेजिंग फैक्ट है कि सम स्नैक्स हैव सेंसरी ऑर्गन्स. जो स्नैक्स हैं यानी कि सांप है, उनके पास भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं. वो जो है वो इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन जो बर्ड्स और बीज हैं वो अल्ट्रावायलेट लाइट को ही देख सकती हैं. तो ये एक अमेजिंग फैक्ट है. ये भी आ सकता है कि जो स्नैक्स हैं वो कौन सी लाइट को डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, और जो बर्ड्स और बीज हैं वो कौन सी लाइट को डिटेक्ट करती हैं. ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है. आगे डायग्राम है आपका, वो कहते हैं आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई का, जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है उसको उसने दिखाया गया. ये स्क्लेरा है जो कि वाइट पोर्शन होता है आई का, फिर प्यूपिल है. ठीक है, फिर जो है वो आयरिस है, और फिर है ओपनिंग ऑफ द टीयर, जहाँ यहाँ से जो है वो आंसू हमारे निकलते हैं. आपने देखा होगा कि यहाँ से हमारे आंसू निकल रहे होते हैं. ठीक है, तो ये आपका जो है वो आ सकता है. नेक्स्ट में जो है वो अगर हम देखें तो ये हमारे पास ह्यूमन आई की इनर स्ट्रक्चर है. वो आउटर स्ट्रक्चर था यानी कि बाहर वाला था इस पोर्शन आई का. अब ये जो है वो इनर आई, अंदर वाला पोर्शन है आईज़ का. तो हमारे पास जो है वो उन्होंने दिखाया गया है, ये आयरस है. ठीक है, उसके बाद ये प्यूपिल है. ये जो है वो एक्वस ह्यूमर होता है, एक होता है विट्रेस ह्यूमर, और ये हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट है. सारे मैंने आपको पहले डिटेल में बताया हुआ. ये लेंस है, ये रेटिना है, ये जो है वो येलो स्पॉट है, ऑप्टिक नर्व. दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ द आईज. जो लेंस है वो कंट्रोल करता है लाइट को, कि वो रेटिना पर जो है वो लाइट को फोकस करता है. कंट्रोल लाइट फोकसिंग ऑन द रेटिना जो है वो. और जो प्यूपिल है और आयरस है वो कंट्रोल करते हैं इंटेंसिटी ऑन द रेटिना. ठीक है, लाइट इंटेंसिटी को रेटिना पर. और नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस पढ़ते हैं. फर्स्ट जो है अमेजिंग फैक्ट एक और है कि जो आपकी आई लैशेज है फॉर्म अ नेट इन द फ्रंट ऑफ द आईज. इट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट. जो आई लैशेज हैं आपकी, जिसको हम कहते हैं पलकें, वो आपको डस्ट से महफूज रखती हैं. ठीक है, यहाँ पे फंक्शन भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के, जो आई लैशेज हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आई लैशेज. तो आप लिख सकते हैं द आई लैशेज फॉर्म द नेट. यहाँ से लेके आप जो है भाई यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं, फर्स्ट वाली लाइन पूरी. ठीक है, कि ये जो है वो डस्ट से महफूज रखती हैं. यू कीप योर बैलेंस इन टू वेज. आप जो है वो दो तरह से अपने बैलेंस को मेनटेन कर सकते हैं. योर आईज टेल यू इफ़ यू आर अपराइट और टिल्टेड. ठीक है, एक तरफ को देखना, टिल्ट होना. ठीक है, उसके बाद है द सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो आपकी इनर ईयर्स की, वो कहते हैं दो हैं आपकी पूरी बॉडी में जो है, वो कहते हैं दो हैं. एक आईज जो आपकी जो है वो आपको बताती है. ठीक है, आप जब जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं ना, सीधा हम देखते हैं जो है वो कि हम किस, अगर हम नहीं देखें तो हम जो है वो जिस तरफ मर्जी मुड़ जाएँ, जिस तरह मर्जी हम वैसे जो है वो एक स्ट्रेट नहीं चल सकेंगे, अब हम सही नहीं चल सकेंगे. बल्कि अगर हम बंद आँखों से, हमें रास्ता तो पता नहीं होगा ना, तो हम किसी चीज़ में लग सकते हैं. तो ये जो हमारी आईज है, हमें जो है वो हमारी बॉडी का इस तरह एक बैलेंस मेंटेन रखती है. और एक जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं हमारी जो है वो ईयर्स में, वो हमारी बॉडी के जो है वो बैलेंस को मेंटेन करती है. अब पार्ट्स रहते हैं, स्क्लेरा है, वाइट मस्कुलर बल्गिंग पोर्शन है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे जो है वो इनर स्ट्रक्चर ऑफ आई को. कॉर्निया है, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ट्रांसपेरेंट जिसमें से लाइट पास आउट हो जाए, पास हो जाए. ठीक है, लाइट जिसमें से पास हो जाए. ठीक है,
लाइट जिसमें से पास हो जाए यानी कि गुजर जाए, और ये कवर करता है हमारी आइज़ के फ्रंट पोर्शन को। इसमें आयरिस और पीपल भी आ जाता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर फुल है, आपने ये लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आयरिस आ जाता है। आयरिस में वो कहते हैं कलर्ड मेम्ब्रेन है, कॉर्निया के पीछे होता है ये। इसका फंक्शन है कि कलर्स में तमीज़ हमें कहते हैं कि इम्पार्ट करती है कलर को। हम जो है वो कलर को देख सकते हैं कि कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, रेड है, ब्लू है। सप्लाइज ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आई प्यूपल है, ये डार्क सर्कुलर ओपनिंग है आपकी जो है सेंटर में, ठीक है, आयरिस के सेंटर में। ये कंट्रोल करता है लाइट के इंट्रेंस को, कंट्रोल द इंट्रेंस ऑफ लाइट इन द टू रेटिना पर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपेंडिंग होके, ठीक है, एक्सपेंड होके। लेंस है ये जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि रिंग ऑफ मसल्स हैं, ठीक है ना, लेंस। उसके बाद ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को जो रेटिना पर फोकस होती है। रेटिना असल में क्या है, वो इनर जो है वो लेयर है आईज की, जिसमें इनर लेयर ऑफ आई कंटेनिंग, इसमें दो तरह के जो है सेल्स होते हैं। फर्स्ट इज रोड्स एंड सेकंड इज कॉन्स। रोड्स और कॉन्स, कॉन्स जो है वो रिस्पॉन्सिव होते हैं लो इंटेंसिटी लाइट के लिए, और कॉन्स जो है रिस्पॉन्सिव होते हैं कलर्ड जो है वो लाइट के लिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोड्स एंड कॉन्स, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो है वो रोड्स और कॉन्स मिलकर ऑप्टिक फॉर्म द ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, और ये मैसेज को जो है वो ब्रेन तक लेके जाती हैं। और फिर येलो स्पॉट है, ये क्लस्टर हाईली सेंसिटिव सेल्स हैं रेटिना पर, ठीक है, ये कलर के दरमियान फ़र्क करती है, ठीक है। सॉरी बेटा, ये जो इम्पार्ट्स ऑफ कलर्स टू द आई, ये आयरिस जो है वो कलर देता है आइज़ को, कलर देता है इम्पार्ट, यानी कि जो कलर है आइज़ का वो किस तरह का है, ठीक है। ब्लू है आपका आई रंग, आंखों का रंग ब्राउन है ये, और जो ये येलो स्पॉट है ये असल में डिस्टिंग्विश करता है कलर्स को। तो ये डिफरेंस है कि जो आयरिस है उसका फंक्शन है ये कलर देता है आइज़ को, और जो येलो स्पॉट है ये डिस्टिंग्विश करता है कलर्स के दरमियान। फिर ब्लाइंड स्पॉट है, वो इनसेंसिटिव है टू द लाइट। और फिर विट्रस और एक्वेस्यूमर भी आते हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा अपनी बुक से। नेक्स्ट हमारे पास एक और सेंस ऑर्गन है जो कि स्किन है। स्किन बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि बड़ा सेंस ऑर्गन है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये अगर हमें कोई पेन होती है, हम टेम्परेचर को फील कर सकते हैं, प्रेशर को फील कर सकते हैं, तो ये उसने उसके जो है वो लेयर्स लिखी हुई हैं, तो आप इसको इससे भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 6 का भी ये आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो है वो स्ट्रक्चर आ जाता है। एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर है। ये बॉडी को जो है वो जो है वाटर को लोशन से बचाती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है जो है वो, यानी कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। डर्मिस जो है वो थिक मस्कुलर लेयर है, ये रिप्लेस करती है यानी कि डेड सेल्स को, और रिपेयर करती है ब्रोकन टिश्यूज़ को। और जो लेयर ऑफ फैट है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये इस पर फैट डिपॉजिट होता है, ये फूड को स्टोर करती है और हेल्प करती है बॉडी की। अब इसमें स्वेट ग्लैंड भी होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं स्वेट, ठीक है, विच ऑजेज ऑफ द पोर्स इन द स्किन व्हेन द स्वेट इवेपोरेट। जब स्वेटिंग इवेपोरेशन होती है, स्वेटिंग यानी कि पसीना हमें आया हुआ, स्वेटिंग हुई है, जब वो इवेपोरेट होती है तो हमें जो है वो टेम्परेचर जो है बॉडी का कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग प्रोसेस में जो है फील होता है। और आगे टंग है, टंग जो है वो ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट है, हम सिर्फ इससे टेस्ट ही कर सकते हैं, ठीक है, इसके जो सेंसरी सेल्स है टेस्ट करने के लिए हैं। और इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि 4 टेस्ट को टेस्ट कर सकते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर, ठीक है। फ्लाइज और जो बटरफ्लाइज हैं उनमें टेस्ट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनकी फीट पे, और सो दे कैन टेस्ट एनीथिंग दे लैंड ऑन। जब भी वो बटरफ्लाइज यानी फ्लाइज जब लैंड करती हैं किसी भी जगह पर, जो है वो लैंड करती हैं ज़मीन पर अगर हैं वो, तो उनके जो फीट हैं उसमें सेंस टेस्ट ऑर्गन्स होते हैं, तो टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो है वो कैटफिश हैं, उनके भी होते हैं, ठीक है, उनकी पूरी बॉडी में होते हैं। तो ये उसने जो है वो पार्ट्स भी बताए हुए हैं, ये भी आपने इसको देख लेना, ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टंग, तो ये भी इसका जो है वो आ सकता है। फिर हमारे पास जो है वो मस्कुलर टंग है, ठीक है, उसके बाद टेस्ट बर्ड्स हैं, नर्व्स हैं, उनके फंक्शन उसने बताए हुए हैं, फंक्शन भी आ सकते हैं कि जो टंग है वो मस्कुलर ऑर्गन है, और ये टच करते हैं और टेस्ट करते हैं थिंग्स को। फिर सेंसरी जो है सेल्स हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द टंग, वो रिकोगनाइज करती हैं, डिलीवर करते हैं टेस्ट को नर्व्स के पास, नर्व्स तक, और फिर वो जो आगे नर्व्स हैं उसमें सेंसरी सेल्स होते हैं, वो उसको दिमाग तक यानी कि ब्रेन तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है ये।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नोज़ आ जाता है। ये लास्ट सेंस ऑर्गन है नोज़, जो कि स्मेल को जो है वो सेंस करता है। सेंस ऑफ स्मेल, ऑर्गन ऑफ स्मेल है। इट हैज़ स्पेशल सेल्स जिसको हम कहते हैं स्मॉल स्मेल रिसेप्टर, जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मेल को जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, जो नर्व है इसमें डेफिनेशन है ऑल्फैक्टरी नर्व, द नर्व दैट जो कनेक्ट करती है नोज़ को ब्रेन के साथ उसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, उसके बाद है कि इसी तरह जो नोज हैं उसके सेंसरी जो सेल्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं स्मेल को, फिर वो मैसेज आता है नर्व्स पे, फिर नर्व्स जो है ब्रेन तक लग जाती है और फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और फिर हमें रिएक्शन हम शो करते हैं कि वो प्लेजेंट है या फिर अनप्लेजेंट है। शॉर्ट में भी आ सकता है क्वेश्चन। फिर उसके जो है पार्ट्स हैं नॉस्ट्रल्स हैं ऑल्फैक्टरी जो है वो नर्व्स हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स। हमें पता है कि जो इसमें मोटर नर्व सेल्स होती हैं और सेंसरी और मोटर नर्व सेल्स होती हैं, ये मैसेज लेके जाती है ब्रेन तक, तो ये इसका हमें पता है। और नॉस्ट्रल्स में जो दो एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं, आपकी नाक है, तो ये जो हमारी आपकी नाक है अगर हम देखें तो ये जो है वो एक्सटर्नल और ये वाले नोस्ट्रिल्स हैं दो। ठीक है, तो ये इस तरह, और आप बुक से देखेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो वो कहते हैं टू एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं नोज जॉइन टू द नर्व सेल्स के साथ उसको ज्वाइन करती है। ये एक पैसेज है जिसमें डिफरेंट स्मेल्स जो हैं वो इंटर होती हैं नोज में, यानी कि नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, क्या आप हम कहते हैं नथने हमें जो है वो कहते हैं हम इसको। तो इस तरह, ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ना ये समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ इशू रहा, कुछ समझ नहीं आया, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।